हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम देखते हैं एलजेब्रा का पार्ट टू। जैसा कि आपको बताओगे एनटीपीसी का सीबीटी टू के बचे हुए रिमेनिंग एग्जाम हैं वो अभी होने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं एलजेब्रा की। और ये आपके एसएससी सीरियल सीएचएसएल और बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतना ही बेनिफिट है जितना एनटीपीसी वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, तो कह रहा है कि तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपके ऑप्शन दिए हुए 38, 34, 83, 39। तो चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है आपको 6, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो याद रखिएगा जब कभी पावर्स इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, और आपको स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, तो समझिएगा कि यहाँ पर माइनस पे है तो यहाँ पर आप प्लस टू पहले से लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 6, इसका क्या कर लीजिए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। बस दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 51, तो आपको निकालना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो समझिएगा अब देखिए यार करते क्या हैं, जब कभी भी पावर कम वाली पावर निकालना हो तो आप लोग स्क्वायर से कम रूट पावर में जाना हो तो अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब इसको वैल्यू लिख लीजिए 51 को। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाली वैल्यू, क्वेश्चन वाली वैल्यू क्या है माइनस पे, तो यहाँ पर -2 कर दीजिए, अगर प्लस होता तो प्लस टू करते, ठीक है। तो 51 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 49, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।